महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार नीतीश भरद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अपनी पत्नी की शिकायत की है। भोपाल पुलिस कमिश्नर से नीतीश की पत्नी स्मिता भरद्वाज IAS है और फिलहाल राज्य मानवाधिकार आयोग में तैनात है। नीतीश और स्मिता की जुड़वा बेटियां हैं। आरोप है कि नीतीश की पत्नी उन्हें प्रताड़ित करती हैं। नीतीश को अपनी बेटियों से नहीं मिलने देती हैं उनकी पत्नी। पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है अपनी पत्नी IAS स्मिता भरद्वाज की प्रताड़ित करने के इस संबंध में का शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसे सौंपा गया सर, कौन जांच कर रहा है सर? इसमें का वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर से पत्नी की शिकायत की है नीतीश भरद्वाज ने। अब जैसा कि आपने बयान सुना अधिकारी का, पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच करिए। आखिर पूरा मामला है क्या, वह हम जानेंगे। राजधानी भोपाल के रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नीतीश भरद्वाज ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तो प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, दूसरा बेटियों से वो नहीं मिलने देती हैं। क्या है पूरा माजरा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, पुलिस क्या कुछ कह रही है? शैलेंद्र देखिए, ये इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि नीतीश भरद्वाज की शादी जो IAS हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद उनको दो बेटियां हैं। काफ़ी दिनों तक उनका जो पारिवारिक माहौल है वो ठीक रहा, लेकिन किन्हीं बातों पर उनका विवाद हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले को मैं कोर्ट में एक आवेदन दिया गया था अलग रहने के लिए, तलाक रहने के लिए आवेदन दिया हुआ, और उसी के तहत जो है वो अभी उनकी पत्नी जो IAS हैं दो बच्चियों के साथ रह रही। नीतीश भरद्वाज अलग रहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कल जो है वो पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, मुलाकात की थी और ये कहा था कि उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, जब वह बच्चों से मिलने का प्रयास करते हैं, दो बेटियों से मिलने का प्रयास करते हैं, तो उनको मिलने से भी रोका जाता है। तो ये पूरा आवेदन जो है उन्होंने पुलिस कमिश्नर को सौंपा था। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने एक महिला अधिकारी को पूरे मामले की जाँच सौंपी और कहा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जो है वो जाँच की जाए, जो बच्चियाँ हैं उनके भी बयान हों, जो सीनियर जो IAS हैं उनके भी बयान हों, और उनके परिवार के जो लोग हैं उन सब के भी बयान होने चाहिए। चूंकि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो ऐसे में बहुत कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान जिन परिस्थितियों को लेकर शिकायत की गई उसको लेकर एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, वो बाकायदा इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चूंकि मामला एक IAS से जुड़ा है और एक मशहूर अभिनेता के साथ जुड़ा है, यही कारण है कि पुलिस इस मामले में बेहद तेजी के साथ जाँच करने की बात कह रही है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दतिया के नरेटा गांव में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल नहीं है। स्कूल के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाते हैं। बच्चों को दूसरे गांव जाने के लिए अंगूरी नदी पार करनी पड़ती है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं क्योंकि नदी के ऊपर पुल नहीं है। बारिश के दिनों में नदी में पानी बढ़ जाता है, नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, और यही नहीं बहाव भी उसका काफ़ी तेज़ हो जाता है, कई बार हादसे भी हो जाते हैं। सालों से ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही स्कूल में हाई स्कूल की मांग भी की जा रही है गांव में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ना ही गांव में स्कूल बना, ना ही नदी पर पुल।